टेलीविजन बहुत ही इमैंसिपेटिंग चीज होती है। इंडिया में इसका एडवेंट काफी बाद में होता है, लेकिन ग्रोथ सबसे ज्यादा यही हुई है। हाय फ्रेंड्स, केविन लोपेस फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। मास कम्युनिकेशन में द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ इज हिस्ट्री ऑफ टेलीविजन इन इंडिया। लेट अस अंडरस्टैंड, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक ऐसी जगह थी जो कि कहीं ना कहीं एक कॉलोनी बन के रह गई थी। सडन टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ के लिए यहाँ पे उतना एम्फसाइज नहीं दिया गया था, बट वंस वी अक्लेम्ड इंडिपेंडेंस, दिस रेस वॉज नॉट दैट टफ फॉर अस। सबसे पहला टेलीविजन ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन 1959, जी हाँ, आज़ादी के लगभग 12 साल बाद, क्योंकि उसके पहले हमारे पास में बहुत सारे एमिनेंट टॉपिक्स थे फ्रेंड्स। वी हैड टू गो अहेड एंड गेट द इंफ्रास्ट्रक्चर, द एग्रीकल्चर, द इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो उन सब चीज़ों के बाद में ये कम्युनिकेशन आया। हालांकि ऑल इंडिया रेडियो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, एंड आपको अचंभा होगा ये जान के कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर टेलीविजन इंडस्ट्री का एडवेंट देखा गया है तो दैट वॉज कर्टसी ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। यस एग्जैक्टली माई फ्रेंड्स, ऑल इंडिया रेडियो बींग अ यू नो अ रेडियो ट्रांसमिशन यूनिट वेंट अहेड एंड हैड ब्रॉडकास्टेड द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल ट्रांसमिशन फ्रॉम दिल्ली। ऑल इंडिया रेडियो हैड वर्कड अप ऑन दिस पैरामीटर। देन हम देखते हैं कि 1961 आते आते, क्योंकि उस वक्त सिर्फ एक ट्रांसमीटर था जो 12 से 21 टेलीविजन सेट्स चलते थे और कुछ नहीं था, कि एक ट्रांसमिशन था जो कि एक तरीके से कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल था। फिर धीरे से कम्युनिटी टेलीविजन फॉर स्टूडेंट्स आसपास के गांव में, यू नो क्लासेस के हिसाब से कम्युनिटी टेलीविजन लॉन्च होता है 1961 में, 2 साल बाद। इससे आसपास के गांव के कुछ स्टूडेंट्स और जो लोग हैं उनको थोड़ा सा एजुकेशन और फ़ायदा मिल रहा था, बट दिस वॉज लिमिटेड टू 30 मिनट्स टू 1 आवर ऑफ टेलीकास्ट, दैट्स इट। ज्ञात रहे ये वो पीरियड है जब हमारे पास खुद का कोई सैटेलाइट ट्रांसमिशन सिस्टम नहीं था। हम लोगों ने रेंट पे 1 ईयर के लिए एक सैटेलाइट ट्रांसमिशन सिस्टम, एक सैटेलाइट लिया रेंट पे, हम लोगों ने उस सैटेलाइट से बैंडविड्थ ली, एंड देन वी स्टार्टेड रेगुलर सर्विसेज, एवरीडे सर्विसेज फॉर विथ सम न्यूज़ बुलेटिन। एटलीस्ट लोगों को अब देश में क्या हो रहा है पता चलने लग गया, जिसे कहा जाता था समाचार। 1967 तक आते आते हम लोगों ने और इसकी बैंडविड्थ बढ़ाई, थोड़ा सा टाइम लेंथ बढ़ाया और एक प्रोग्राम कृषि दर्शन हमारे किसान भाइयों के लिए लॉन्च करा। सी, ये वो वक्त था जब इंडियन इकोनॉमी थोड़ा सा फ्लरिश कर रही थी। देवर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर न्यू रलम्स। एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट्स अगर हम देखें तो एग्रेरियन इकोनॉमी हैड टू बी इम्प्रूव्ड, बिकॉज वी वर लेफ्ट विथ नथिंग बट शैम्बल्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो वॉट वी हैड टू डू मोस्ट वॉज टू गो अहेड एंड टेक केयर ऑफ द एग्रेरियन सोसाइटी। इंडस्ट्रियलिस्ट उसके बाद में आते हैं, बट फर्स्ट प्राइमरी कंसर्न वॉज एग्रीकल्चर, और पूरा भारत प्रोबेबली किसानों से भरा हुआ था। सो वी हैड इमेंस नीड टू गो अहेड एंड एग्जैक्टली एग्जाम्पलीफाई द प्रोड्यूसर्स। उसके लिए हमें किसान भाइयों को कुछ इन्फॉर्मेशन पहुँचानी थी, उन्हें सब चीज़ें पता होना चाहिए, इसके लिए कृषि दर्शन लॉन्च किया गया। 1972 तक आते आते टेलीविजन ब्रॉडकास्ट हैड मूव्ड टू मुंबई, आज जिसे हम माया नगरी कहते हैं। दोस्तों, मुंबई तक टेलीविजन ब्रॉडकास्ट 1972 में पहुंचा है। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस, 59 से लेके 1972 का ये जो एक पीरियड है फ्रेंड्स, दिस वॉज अ मेजर टर्न, क्योंकि मुंबई आज की डेट में कंसिडर की जाती है माया नगरी, मूवीज की नगरी, बट स्टिल द हब लाइज इन दिल्ली, नो डाउट अबाउट दैट। बट मुंबई में आना काफी चेंज हुआ था। साइट दैट इज यू नो लाइक देयर वाज सम एक्सपेरिमेंट फॉर टेरेस्ट्रियल एजुकेशन दैट वाज लॉन्च्ड इन 1975। साइट एक साथ
2400 दैट इज 2400 विलेजेस में ब्रॉडकास्ट होता था। यहाँ पे हम लोगों ने एक सैटेलाइट लिया था, अगेन वी हैड रेंटेड आउट अ सैटेलाइट एंड उससे 2400 लगभग 2400 गांव जो कि इंडिया के वो रिमोट पार्ट थे जहाँ पे किसी तरह की अप्रोच पॉसिबल नहीं थी, उन जगहों पे, उन रिमोट प्लेसेस पे कुछ मैसेज पहुँचाने हैं, इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स दिखाने हैं, क्या चल रहा है देश में वो बताना है। तो साइट के बाद में ये एक मूव हमें मिला था, अदरवाइज इट वॉज लिमिटेड टू टू सिटीज दैट इज दिल्ली एंड बॉम्बे। अगेन 76 में कमर्शलाइजेशन शुरू होता है, दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो से सेपरेट हो जाता है, दूरदर्शन डीडी एक सेपरेट एंटिटी बन के निकलता है, एक सेपरेट लाइक कह सकते हैं हम एक सेपरेट यूनिट बन जाता है, क्योंकि अभी तक इसके पहले एवरीथिंग वॉज अंडर ऑल इंडिया रेडियो। तो ये जो पीरियड था यहाँ से हम बात करते हैं, दिस वॉज ऑल अंडर ऑल इंडिया रेडियो बींग टेलीकास्टेड बाय देम। दूरदर्शन के अलग होते ही प्राइवेटाइजेशन शुरू होता है, प्राइवेटाइजेशन में अब दे नीडेड मनी, कमर्शलाइजेशन, कमर्शियल्स आने लगते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स यहाँ पर आते हैं दूरदर्शन को, यू नो लाइक रेवेन्यू जनरेट करना सा, सो दे हैड अ चांस नाउ टू गो अहेड एंड टेक एडवर्टाइजमेंट्स, इन्होंने चालू करे थे। टीवी पे अब कंज्यूमर को ल्यूर करना शुरू कर दिया गया था। इट वॉज नॉट अंटिल नेक्स्ट 8 years 1982 एक मेजर टर्न कह सकते हैं, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी का कार्यकाल चल रहा था एंड दैट वॉज द पीरियड व्हेन कलर टेलीविजन केम टू इंडिया। एक बड़ा बॉक्स, यू कांट इवन इमेजिन इट नाउ डेज माई फ्रेंड्स, यू पीपल आर ऑल एनग्रोस्ड इन LEDs और समथिंग लाइक दैट, LCDs एंड ऑल चल रहा है, बट नाउ दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, एक बड़ा सा बॉक्स कलर टीवी का, जीते जागते रंग दिखने लगे थे। पहली बार इंडियन सिनेमा ने एक्सपीरियंस करा था अपने आप को एक्सपोज करना, टेलीविजन पे चित्रहार प्रोग्राम्स वगैरह शुरू हो गए थे, लोगों ने असली रंग में टेलीविजन देखना, लोगों को देखना, कलर देखना, वो देखना शुरू करा था। तो दैट वॉज अ मेजर टर्न अप। इसके बाद तो जैसे होड़ लग गई, कलर टेलीविजन लॉन्च हुआ, कलर टेलीविजन और कलर ट्रांसमिशन लॉन्च हुआ 1982 में, उसमें फिर पहला एक लोगों से जुड़ने वाला प्रोग्राम भी आया था काफ़ी फेमस, जिसका नाम था हम लोग। अभी तक एक ऐसा एरा चल रहा है, मैं 82 की बात कर रहा हूँ, एक ऐसा एरा चल रहा था इस वक्त तक जब लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते थे, प्रोग्राम्स देख के अपनी लाइफों को उनसे कनेक्ट करते थे। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स इस पीरियड में चालू हुए थे, लेकिन कॉमन मैन का एक पसंदीदा प्रोग्राम जिसे हम लोग कह सकते हैं, हम ये कुछ ज़्यादा को रिलेट करता था एक डेली हैपनिंग से, पीपल यूज टू गेट ग्लूड टू द टेलीविजन। लेटर ऑन मेनी प्रोग्राम्स केम जैसे महाभारत, रामायण, ब्योमकेश बख्शी, करमचंद, दीज आर ऑल प्रोग्राम्स। देन एक फेमस प्रोग्राम और इस पीरियड के बाद में निकला था, दैट वॉज अराउंड इन 90s, दैट वॉज अलिफ लैला। देन तो फिर बाढ़ आ गई फ्रेंड्स। हम देखते हैं 83 में UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने अपने एजुकेशनल प्रोग्राम्स लॉन्च कर दिए थे। थ्रू द हेल्प ऑफ टेलीविजन दे वर नाउ प्रमोटिंग वेरियस एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर किड्स एज वेल एज एडल्ट्स। 84 में एक सेकेंड चैनल भी शुरू हो गया, अभी तक सिर्फ एक बैंडविड्थ, एक चैनल चल रहा है, बट ये सेकेंड चैनल, दूसरा चैनल, आज हम इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों 850 से ज़्यादा चैनल्स इंडिया में हैं, लेकिन ये मैं उस पीरियड की बात कर रहा हूँ जब देखने के लिए सिर्फ एक ही चैनल रहता था और उस पर भी फिक्स आवर्स पे फिक्स चीज़ें आएगी। यू कांट जस्ट यूज़ अ रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल तो बहुत दूर की बात है, उस समय रिमोट कंट्रोल के टेलीविजन्स नहीं आए थे, यू हैड टू टर्न द नॉब और प्रेस द बटन। अब ये टाइम पीरियड ऐसा है जब दूसरा चैनल लॉन्च होता है मेट्रो में, दिल्ली में, जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ दिल्ली की जनता के लिए रहता है। अब ये तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पार्शियलिटी हो रही थी, बट स्टिल दिस वाज अ मेजर ब्रेक थ्रू। देन 85 आते आते सैटेलाइट नेटवर्क बॉम्बे आ गया, बॉम्बे में कहीं से किसी ने सैटेलाइट नेटवर्क, ऑब्वियसली दिस हैड कम फ्रॉम वेस्टर्न एशियन कंट्रीज एंड मिडल ईस्ट एंड ऑल, बॉम्बे में सैटेलाइट टेलीविजन, एक सेट टॉप बॉक्स आने लगा था, एक डिश लगती थी जिससे लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन
कैच करते थे सिग्नल्स एंड अपने टेलीविजन्स में देखते थे. आई स्टिल रिमेंबर सम ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो हैड दैट फैसिलिटी एट दैट टाइम एंड वी वर वेरी मच फैसिनेटेड विद द फैक्ट दैट उनके घर जाते तो हमें यू नो लाइक 10 चैनल्स देखने के लिए मिलते हैं. नाउ फ्रेंड्स 10 चैनल्स एट दैट टाइम वो भी मतलब FTA मतलब फ्री टू एयर चैनल्स जो दिखते हैं. आजकल आपको DTH वगैरह के थ्रू पे करना रहता है लेकिन अभी भी कुछ चैनल्स हैं. देर आर कैटेगरीज ऑफ चैनल्स नाउ. एक FT होते हैं फ्री टू एयर चैनल्स जिनके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है. वो कंपलसरी रहता है हर सेट टॉप बॉक्स प्रोवाइडर डिश TV हो गया आपका टाटा स्काई हो गया इन लोगों का प्रोवाइड करना. कुछ चैनल्स होते हैं जो पे पर व्यू होते हैं मतलब दैट इज़ PPV होते हैं जिनको आपको पे करना रहता है. आप जिस तरीके से उनको देखते हैं वो एक रहता है. कुछ चैनल्स होते हैं मतलब आपने जितने टाइम के लिए देखा है वो पे पर व्यू हो गया. कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको मंथली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है. तो ये शुरुआत हो गई थी यहाँ पे दैट इज 1985. एक 1983 का जो पीरियड था लगभग 8 साल ये फैसिनेशन चलता रहा. फिर 93 में सडनली सैटेलाइट कम्युनिकेशन आ गया है. सैटेलाइट चैनल ये कह सकते हैं मेट्रो चैनल्स जो थे सैटेलाइट चैनल्स जो आए थे ये तो फिर उठकर आ गया था. यहाँ पे लिमिटेड था केबल जो कि पूरे इंडिया में 2000s में काफ़ी फेमस हुआ था. लेकिन अगर हम बात करें तो केबल जो सैटेलाइट नेटवर्क आया था ये पीरियड लगभग 85 से 93 के बीच में सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर्स केबल प्रोवाइड करने वाले मेट्रोज में लॉन्च हो गए थे. एक फिक्स अमाउंट पे करते थे आप मंथली 300 से 500 के बीच में एंड यू यूज टू गेट 10 to 12 चैनल्स. दैट वॉज द थिंग. उसमें कुछ चैनल्स मेन होते थे ZTV स्टार प्लस कार्टून नेटवर्क इफ यू वुड रिमेंबर एंड डिस्कवरी. दीज वर अ फ्यू चैनल्स दैट वर मोस्टली यू नो लाइक अप्लाइड. बाकी तो इतना कुछ था नहीं देखने के लिए क्योंकि उस समय ये फ्लरिश हो रही थी. टेक्नोलॉजी बूम पे आ रही थी. एक बड़ी सी डिश लगती थी वायर्स कनेक्ट होते थे लोगों के घरों में और एक चारों तरफ सिटीज में आपको केबल टेलीविजन का वायर्स का मायाजाल बिछा हुआ दिख जाता था. देन 95 में DD इंडिया लॉन्च होती है और 97 में एक बहुत बड़ा चेंज आता है प्रसार भारती लॉन्च हो जाती है. ये एक ऑटोनॉमस यूनिट बन गया था नाउ इंडिया में टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के नॉर्म्स बनाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस और किस तरीके से होगा ये सब प्रसार भारती के अंतर्गत आने लगा. इसको ऑटोनॉमी मिल गई पावर्स मिल गए. नाउ यू कुड एनीवन कुड गो अहेड एंड परचेज अ बैंडविड्थ ओपन अप अ चैनल एंड लॉन्च हिज ओन चैनल. तो एक सडनली ग्रोथ सी हो गई. आज हम 850 चैनल देख रहे हैं. इमेजिन दोज डेज जब 1-2 चैनल देखने के लिए मिलते थे एंड यहाँ पे वो पीरियड था जब सिर्फ 10 चैनल थे. अब 850 चैनल्स है रीजनल भाषाओं में. हिंदी से ज़्यादा यू कैन गो अहेड एंड ऑब्जर्व रीजनल चैनल्स नाउ डेज. सो दिस ऑल स्टार्टेड टू हैपन प्रसार भारती के बाद में. तो बूम आ गया फ्रेंड्स केबल टेलीविजन सन 2000 और 2010 के पीरियड में. हम देखते हैं DTH दैट इज डायरेक्ट टू होम सैटेलाइट कम्युनिकेशन. अब आप अपने घर पे एक छोटी डिश लगाइए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ रूम साइज डिश. आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल डिश. हालांकि 1 या 2 फीट बड़ी डिश दैट सेट उसको लगाइए और आप सैटेलाइट के थ्रू कोई सा भी चैनल देख सकते हैं. सो दिस वॉज द जर्नी दैट बेसिकली द टेलीविजन एक्चुअली वेंट अहेड एंड स्टडीड. हम बात कर रहे हैं उस समय बड़े बड़े टेलीविजन थे यू नो लाइक बड़े मोटे टेलीविजन दे वर परहैप्स लाइक हैविंग कैबिनेट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड ये कैबिनेट्स जो होते थे ये टेलीविजन को बनाते थे एक तरीके से. एंड देन सडनली इस टेलीविजन इस स्ट्रक्चर के बाद में आता है आपका LCD का जमाना. प्रोजेक्टर्स LCD स्मार्ट TVs एंड ऑल आ गए. अब तो स्मार्ट TV लॉन्च हो गए फ्रेंड्स. कम ऑन नाउ दिस इज अ बिग थिंग. सो द जर्नी नाउ इज अंडरस्टूड आई गेस. स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए. आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग बैक टू यू. Thank you very much for attending the sessions. If you are interested for online classes, please go ahead and contact us at the description and the numbers given below. Take care. Bye-bye.